जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये आप देख रहे हो मेडिसिटी पूंछ में रखी गई है। और बहुत ही हर्ष का विषय कि पहली बार पूंछ के इतिहास में यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप जो लगाया जा रहा है, जिसमें की जानकारी देने के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं और उसके बाद सलारिया साहब भी हैं, और इसमें श्रीक बाबा जी का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे जो कैंप को चलाने के लिए। और इसकी जितनी भी जानकारी है, मैं डॉक्टर सलारिया जी से अनुरोध करूंगा, कृपा करके इस कैंप के बारे में पूरी वो जो है जो कैंप लगने जा रहा है, फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आई कैंप जो लगने जा रहा है, उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दें डॉक्टर साहब। यहाँ हमने पूंछ के अंदर एक हमने पूंछ मेडिसिटी के नाम से एक हमने पॉलीक्लिनिक खोला हुआ है। तो इसमें पहले हमने एक बार पहले भी हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया था जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो लीवर के डॉक्टर आए हुए थे। तो आज हमने कोई दो एक महीने के बाद हमने एक और आज जो पूंछ में जो कमी है आइज की, तो उसमें हमने एक आइज का कैंप मुफ्त रखा है जो अंडर आयुष्मान भारत है। तो ये जो हमारा जो कोलेबोरेशन हुआ है वो ASG हॉस्पिटल श्रीनगर है, जिसमें डॉक्टर मंजूरुल मेहदी जो कि एम्स से पास आउट है दिल्ली में, वो डॉक्टर आ रहे हैं। तो ये पूंछ के लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि इतने बड़े डॉक्टर पूंछ में आ रहे हैं और भी फ्री मेडिसिन जो फ्री कैंप लगाएंगे, मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं। इसमें यही है हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे महेंडर है, सुरनकोट है, मंडी है, बालाकोट है, लोरन मंडी, जो जो दूर के इलाके हैं वहाँ से लोग जो मजबूर होते थे यहाँ से आए इसके दिखाने के लिए, कोई अमृतसर में, कोई जम्मू में, कोई कहीं, तो वे ये हमने मुफ्त जो जिसमें मेरे भाई निशु जी हैं, जमील साहब है, और शफीक हुसैन बाबा जिसमें उसका बहुत अहम रोल है, हम सब ने मिलकर ये एक अठाई के कैंप का जो ऑर्गेनाइजेशन किया है। ये जो दो दिन का कैंप है हमारा 8 तारीख सैटरडे और 9 तारीख संडे को, टाइमिंग जो उसकी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगी। जो इसका जो इनाग्रेशन जो हमारे बर्थ डिप्टी कमिश्नर पूंछ श्री आशिम चौधरी साहब कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है जितने जो मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, तो यही मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से, आइए इस कैंप का पूरा लाभ लीजिए। ये क्योंकि मुफ्त कैंप है और ये जो इसमें जो भी कोई सर्जरी वगैरह होगी जो आयुष्मान अंडर आयुष्मान भारत जो गोल्डन कार्ड जिसको बोलते हैं उसी के अंडर होगी। और यहाँ से जो इनका जो सेटअप श्रीनगर में खुला है इन डॉक्टर्स का, तो यहाँ से हमारी ही गाड़ी जाएगी वहाँ फ्री में ले जाएगी यहाँ से, और वहाँ पे ऑपरेशन भी इसका मुफ्त में होगा। यहाँ पे डॉक्टर मंजूरुल मेहदी जो मैंने आपको बताया एम्स न्यू दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, वो आ रहे हैं इसमें, और इनके साथ 60 डॉक्टरों की टीम आएगी जो खाली कंसर्निंग आई की होंगी, जिसमें आई की जैसे आंखों की तरह की बीमारी है जैसे मोतिया हो गया या तिरछापन हो गया या काफ़ी पुरानी किसी को आंखों की बीमारी है, तो उसके रिलेटेड जो भी कोई परेशानी होगी वो डॉक्टर साहब देख के उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो निकालेंगे। एक सोशल काम भी करते हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि पूंछ के लोगों को बेनिफिट दिया जाए। जो जो लोग दूर दूर दराज के लोग हैं जिनको बड़े दूर जाना पड़ता था, अब उनको पूंछ में है। और ये एक बात मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि ये जो आज जो कैंप हो रहा है, ये इसके बाद ये महीने में 2 बार या 1 बार ये डॉक्टर साहब फिर विजिट करेंगे, तो उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आयुष्मान भारत के ही अंडर होगा। देखिए काफ़ी बार हमने ऊपर हाई लेवल पर भी हमने बात करी है, मैं खुद एक बार कमीशन जब मैं काउंसलर था मैं कमीशन सेक्रेटरी साहब के पास गया भी था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि हमारे पूंछ में आई स्पेशलिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम पक्का देंगे, फिर आगे इलेक्शन आ गए, फिर कोटा कंडेट लग गया, लेकिन इतना है कि जब तक वो नहीं है तब तक हम खुद में सेवा करेंगे इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है। जो हमारे भाई सारे बैठे हैं हमने यही कोशिश किया, इसके बाद और कैंप भी हमने मुफ्त में लगाने हैं पूंछ के अंदर।